भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई की बैठक बेनीगंज स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य व गोरखपुर जनपद के जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम ने बताया कि 29 अक्टूबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र व शक्ति केंद्र प्रभारियों को संबोधित करते हुए सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता भाजपा सरकार व संगठन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर ही हम सरकार में हैं। आगामी सदस्यता अभियान का शुभारंभ गृह मंत्री करने जा रहे हैं। सदस्यता अभियान को लेकर सभी शक्ति केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित कर अधिक से अधिक सदस्य बनाने का कार्य पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता करेंगे और एक बार फिर 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाने का काम करेंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विधानसभा प्रभारी मानस भूषण राम त्रिपाठी, चौधरी शिवेंद्र सिंह, निशी रंजन तिवारी, सरोज रंजन शुक्ल, चंद्रबाला श्रीवास्तव, संजय सिंह, हरिकेश राम त्रिपाठी, सदस्यता प्रमुख सहित प्रमुख लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम ने कहा, मंडलों की कार्यशाला होगी, 11-12 कर लेंगे मंडल अध्यक्ष लोग, प्रभारी लोग और पन्ना प्रमुख का जो पूरा फिटिंग वाला होना यही पे होना, जिले के होना सब लोग जानते हैं। निपटा करके 100 दिन के लिए हम लोग अलर्ट रहेंगे कि अब 100 दिन 100 कार्यक्रम आएगा ताकि आरटीसी के लोग हमको पता नहीं था कार्यक्रम के बाद। आज की जो बैठक है वो अक्टूबर में है, 30 की जो बैठक है वो भी अक्टूबर में है, कल जो कार्यक्रम है वो अक्टूबर में है। सांगठनिक जो हम सारे लोगों को मिलजुल करके काम करना है, इसका जो मोटा मोटा हम लोगों के पास जो लिखा जोखा है, हम लोगों ने भी थोड़ा मनोज जी ने प्रस्तावना बनाया था, थोड़ा हम प्लान बना ले, बेहतर उसका लिखन प्रबंध कर ले, एक अच्छी बैठक कर ले, लेकिन उस जमीन पे हम बेहतर ना कर पाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यह जो जिले के जो वरिष्ठ लोग निवास करते हैं वो लोग भी है कि कैसे जनप्रतिनिधियों से बात करके, क्यों सबसे बड़ा काम है जनप्रतिनिधियों से बात करना, 10 जगह तय करना। मैं समझता हूँ कि हर विधानसभा में 5 या 6 मंडल हर विधानसभा में है, तो कहीं कहीं 5 है, 6 है, कहीं 4 है। प्रशासनिक जो मंडल पहले थे ब्लॉक के वो 2 से 2.5 होते थे हर विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक मंडल में 5-6-4 ऐसे है, तो इस तरह से हर मंडल में एक दो जगह कम से कम, किसी किसी मंडल में 3 जगह, मान ले 4 मंडल है विधानसभा में तो 4 या 12 3 जगह कम से कम, तो 3 जगह कैसे बेहतर जो बाजार हो अच्छी हो, जहां भीड़ भाड़ हो वहीं पे सस्ता कराएं। ऐसा ना हो कि सस्ता का स्तर तय करते समय हम ऐसी जगह तय कर दें कि जहां पे आदमी के आने जाने की परेशानी हो। ये इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को हम सारे लोग संगठन के कार्यकर्ता है तो हमको भी ध्यान देना है कि हम कौन सा स्थल तय करें जहां पे माली कोई बाजार, वहां 2-4 हजार लोग आते हो तो वहां पे हम स्टॉल लगाएंगे तो वहां पे हमारी सस्ता ज्यादा होगी, हो हमको पैसे करना नहीं पड़ेगा। मान ली कहीं ऐसी जगह हमने स्टॉल लगा दिया जहां पे कोई नहीं आता जाता हो, केवल स्थल लिख दिया और एक मैंने टांग दिया हो, 4 पार्टी के कार्यकर्ता बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी आगामी कार्यक्रमों को लेकर के संगठनात्मक बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी हर माह में अपनी बैठक करती रहती है, नियमित बैठक ही बैठक। कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश दिया? नहीं, कार्यकर्ता को कोई निर्देश नहीं दिया जाता, कार्यकर्ता संगठन का काम करते हैं, संगठन का काम होता है। संगठनात्मक बैठक थी पूरी तरह से, आगामी जो हमारे कार्यक्रम है उसी को लेकर के हम लोग बैठक किया जाए।